Subscribe my channel and press bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं सत्यम त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम टेक्निकल त्यागी में। और हम पढ़ने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स का सेशन। फ्लूइड मैकेनिक्स के सेशन में पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 9 के बारे में, यानी कि लेक्चर नंबर 8 तक की वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है। लेक्चर नंबर 8 में जो आखिरी वीडियो थी उसमें हमने देखा था पास्कलों के बारे में। पास्कलों का डेरिवेशन भी करा था, पास्कलों को हमने समझा भी था, डेफिनेशन पढ़ी थी और क्या क्या उसकी एप्लीकेशन है वो भी देखा था। वो चैप्टर था हमारा स्टैटिक प्रेशर, यानी फ्लूइड पे जो प्रेशर लग रहा है। तो हम उसी चैप्टर को आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी और आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, तो अपना साथ बनाए रखें। हम आगे बढ़ते हैं स्टैटिक प्रेशर के बारे में। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर जैसे नाम से समझ में आ रहा है, नाम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या दो वर्ड है स्टैटिक, दूसरा है प्रेशर। स्टैटिक मतलब है यानी स्थिर चीज जिस पे कोई भी फोर्स ना एक्ट करे, यानी वो चीज एक रेस्ट पे हो, एक रेस्ट पोजीशन पे हो। प्रेशर का क्या मतलब है, यानी उस चीज पे कोई फोर्स लग रहा हो, फोर्स उस एरिया पे लग रहा हो, यानी उस पर कोई प्रेशर एक्ट कर रहा हो। पढ़ गया है फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक्स में वाटर। तो वाटर जब रेस्ट पे हो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो प्रेशर लग रहा होगा, वो होगा स्टैटिक प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, व्हेन वाटर इज एट रेस्ट एंड देयर इज नो रिलेटिव मोशन। क्या हो उसके बीच में, नो रिलेटिव मोशन, यानी कोई रिलेटिव मोशन ना हो इसके बीच में। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स से लेकर हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने फ्लूइड की जो लेयर बनाई थी, बिटवीन द पार्टिकल्स एंड लेयर ऑफ फ्लूइड एंड देयर इज नो शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी इज जीरो। और उसकी वेलोसिटी क्या हो, उसकी वेलोसिटी जीरो हो। साथ के साथ ये तो थी स्टैटिक की डेफिनेशन। वाटर इज फ्लूइड ले लेते हैं, व्हेन फ्लूइड जब फ्लूइड रेस्ट पे हो उसके बीच पार्टिकल्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, लेयर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, शेयर स्ट्रेस जीरो हो, उसकी वेलोसिटी भी जीरो हो, और तब शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी इज जीरो, देन द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट इज नोन एज स्टैटिक प्रेशर। ये तो थी स्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन। लेकिन अगर इसमें ध्यान से देखें इसमें क्या लिखा है, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड। लेकिन हम प्रेशर अगर शेयर स्ट्रेस जीरो है, यानी हमारा टाउ जीरो है, हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो हम प्रेशर कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं स्टैटिक फ्लूइड पे जब वो स्टैटिक है। तो इससे क्या होता है, जब हमारा पानी बिल्कुल स्टैटिक पोजिशन में हो तो उसमें सिर्फ दो फोर्स एक्ट होती है। कितनी फोर्स एक्ट होती है, दो फोर्स। एक तो कौन कौन सी होती है, एक तो होती है वाटर की सरफेस की, सरफेस फोर्स, और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमारा ये पानी है, जो हमारा पानी ठहरा हुआ है, कैसा ठहरा हुआ, यानी कि रुका हुआ पानी है हमारा ये। इस पानी में वेलोसिटी जीरो, शेयर स्ट्रेस जीरो। तो फिर हम इसमें हमने शीट रख दी, ये हमने रेक्टेंगल शीट रख दी, या मान लीजिए बॉक्स रख दिया, ठीक, ये रेक्टेंगल बॉक्स रख दिया पानी में, पानी के ऊपर सरफेस पे या पानी के अंदर हमने इसे रख दिया, ठीक, पानी के अंदर भी रख दिया। तो इस पे क्या होएगा,
एक तो वाटर जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, वाटर जो प्रेशर लगा रहा होगा वो है, चाहे अंदर हो चाहे ऊपर हो, दूसरा इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी वो नीचे से खींचेगी। तो यानी कि अगर फ्लूड हमारा रेस्ट पे है, स्टैटिक पोजीशन पे है, तो उस पर सिर्फ दो फोर्स अप्लीकेबल होती है, एक तो सरफेस फोर्स वाटर की, दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स अम जो ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारी स्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन, हम जरा इसके बारे में आगे देखते हैं। अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखिए स्टैटिक प्रेशर की, तो स्टैटिक प्रेशर की छोटी सी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी स्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट। मैंने इसका क्या मतलब हुआ, यानी स्टैटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो फ्लूड लगाता है जो फ्लूड रेस्ट पे होता है, तो ये हमारी स्टैटिक प्रेशर। अब देखते हैं फ्लूड प्रेशर के बारे में, फ्लूड प्रेशर क्या है, वर्ड से समझते हैं। फ्लूड प्रेशर यानी कि जब फ्लूड पे जो प्रेशर लग रहा होता है वो होता है फ्लूड प्रेशर। तो स्टैटिक प्रेशर क्या था, जब फ्लूड स्टैटिक फॉर्म में हो, रेस्ट फॉर्म में हो, उस पर जब प्रेशर लग रहा होता है वो होता है स्टैटिक प्रेशर। तो फ्लूड प्रेशर की एक बड़ी डेफिनेशन देखते हैं और इसकी थोड़ी यूनिट से देखते हैं इसकी यूनिट क्या क्या है। तो फ्लूड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, फ्लूड प्रेशर की डेफिनेशन है ऑफ फ्लूड कैप्ट इन अ वेसल। अगर एक फ्लूड वेसल में एग्जर्टेड फोर्स एट ऑल पॉइंट ऑन द साइड्स एंड द बॉटम ऑफ द वेसल, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। प्रेशर क्या था, अगर हम सिंपल भाषा में समझे, प्रेशर है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो फोर्स लग रही है किसी एरिया पे वो हमारा प्रेशर। तो फ्लूड की बात कर रहे हैं, फ्लूड में क्या आएगा, जब हमारा फ्लूड एक वेसल में है, एक कंटेनर में है, और जब फोर्स लग रही हो इस पे चारों तरफ से, जैसे कि हमारा फ्लूड एक वेसल में है, इसके वाला पार्टिकल्स ले लिया हमने, इस पार्टिकल पे जब फोर्स लग रही होगी बॉटम ऑफ वेसल, साइड्स ऑफ वेसल, फेस ऑफ वेसल, टॉप ऑफ वेसल, चारों तरफ से फोर्स लग रही है कहीं ना कहीं से, तो जो फोर्स लग रही होगी पर यूनिट एरिया में उन्हें बोलते हैं प्रेशर, उन्हें बोलते हैं प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी। जो हम फ्लूड में बात करते हैं तो प्रेशर कम बोलते हैं, प्रेशर इंटेंसिटी ज्यादा बोलते हैं। तो इसकी यूनिट देखते हैं क्या क्या यूनिट है। तो अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट वही रहेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स की न्यूटन एरिया की मीटर स्क्वायर, ये होगी। अगर हम बात करते हैं इसकी एमकेएस यूनिट की, तो इसकी एमकेएस यूनिट होगी किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर या किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फ्लूड प्रेशर की डेफिनेशन होगी। अब जो प्रेशर इंटेंसिटी जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स कैसे लग रही है, ये एक फोर्स लग रही है, स्मॉल फोर्स लग रही है स्मॉल एरिया में, स्मॉल प्रेशर लगा रही है, तो ये अपना क्या है प्रेशर इंटेंसिटी इंटेंसिटी। अब क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी है, इसे पढ़ने के लिए, इसे समझने के लिए दो दो थे, एक हमारा पास्कल लॉ जो हमने लेक्चर नंबर 8 में क्लियर कर लिया, ठीक, और एक सेकंड लॉ है वो है हाइड्रोस्टेटिक लॉ, हाइड्रोस्टेटिक लॉ वो हम अब देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हाइड्रोस्टेटिक लॉ के बारे में। तो हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या है, ये लॉ हमारा जो भी हमने पढ़ा स्टैटिक फोर्स उससे ही रिलेटेड है, क्या है, ये हमारा फ्लूड है, ठीक, इस फ्लूड पे हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जो भी ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी वजह से ये फ्लूड डिसेबल होगा और ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे भी आ सकता है, ये कितना नीचे आया वो ले लिया हमने एच, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी एच, ये ऑब्जेक्ट है, ये कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है। तब एक चीज देखते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, जैसे हमने भी इंटेंसिटी देखी प्रेशर इंटेंसिटी, तो उसमें क्या था फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स क्या होता है, mg बाय a, ये तो होता अपना फोर्स। अब देखिए अब m क्या होता है, अगर हम m की बात करें तो m होता है हमारा
डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो मास क्या होगा अपना, मास हो जाएगा हमारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक। तो हो गया हमारा मास चेंज हो गया हमारा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल अपॉन ए। अब आगे देखते हैं, अब वी क्या होता है हमारा, वॉल्यूम होता है हमारा एरिया इंटू हाइट, ये तो हमारा वॉल्यूम होता है। तो फिर ये हम इसे कैसे लिख सकते हैं वॉल्यूम को, एरिया इंटू हाइट मल्टीप्लाई ग्रेविटेशन अपॉन में एरिया। अब एरिया से एरिया कट गया तो पी किसके बराबर हो गया, पी बराबर हो गया रो एच जी। ये हमारा समझ में आ गया इतनी चीज। अब इसमें देखने वाली चीज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल वही 9.81, ठीक। डेंसिटी अगर हम वाटर ले रहे हैं तो 1000, अगर हम मर्करी ले रहे हैं तो अलग, कोई फ्लूइड ले रहे हैं तो अलग। लेकिन जो हाइट है, जो फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट की, वो किस पे डिपेंड करेगी, जहां तक वो जाके बैठेगा एच पे। तो इससे समझ में आया हमारा, जो प्रेशर इंटेंसिटी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के, ठीक। क्या समझ में आया इससे, हाँ, प्रेशर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ये हमारा हाइड्रोस्टेटिक फ्लो था। हाइड्रोस्टेटिक फ्लो क्या था कि यानी कि जो हमारी प्रेशर लग रहा है, यानी कि फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट की उस फ्लूड पे, वो हमारी हाइट पे डिपेंड करती है। तो इस वीडियो में हमने इतना समझ लिया, ये हमारा लेक्चर 9 कंप्लीट हो गया। अब लेक्चर नंबर 10 में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। जो हमने अभी तक लेक्चर नंबर 9 तक जितने फॉर्मूले पढ़े, डेंसिटी स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी पास्कल लॉ हाइड्रोस्टेटिक लॉ न्यूटन लॉ, उन सबके हम कल न्यूमेरिकल एक एक करेंगे सबके, और हम जानेंगे कि क्या होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं और न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आ जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में, थ्योरी पेपर में। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 10 में आपको कल मिल जाएगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।